पता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। उत्तर प्रदेश के बरेली में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक वर्चुअल रैली का 10 बजे शुभारंभ करेंगे। बरेली में यह रैली शहर विधानसभा के मनोहर भूषण इंटर कॉलेज ग्राउंड से और कैंट विधानसभा के कोवर रिसोर्ट वदायूं रोड से एलईडी लगाकर कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित करेंगे। इस रैली में कार्यकर्ताओं को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के प्रति जागरूक किया जाएगा और इसमें केवल संगठन के कार्यकर्ता ही भाग लेंगे, जिसमें महानगर के पदाधिकारी, भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रकोष्ठ के अधिकारी, विधानसभा में आने वाले मंडल अध्यक्ष, उनकी कार्यकारिणी, वार्ड अध्यक्ष, क्षेत्रीय पार्षद, शक्ति केंद्र संयोजक और शक्ति केंद्र में आने वाले अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में आचार संहिता एवं कोविड-19 के नियम का पालन किया जाएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर उनका उद्बोधन हम सबको प्राप्त होगा और मुझको लगता है कि वो चुनाव की टिप्स भी देंगे कि हमें किस तरह चुनाव का प्रबंधन करना है। क्योंकि सिर्फ कार्यकर्ताओं का ये प्रोग्राम रखा गया है, सुबह 10:30 बजे हमने MB इंटर कॉलेज में शहर विधानसभा का और कुंवर रिजॉर्ट बदायूं रोड पर कैंट विधानसभा का ये कार्यक्रम रखा है। आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि इस कार्यक्रम को अच्छे से कवर करें और जन जन तक आपके माध्यम से ये बात पहुँचे जो प्रधानमंत्री जी हम सबको बताना चाहते हैं, वो जनता को भी पता चलनी चाहिए। इसके लिए आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, आपका सहयोग हमें बहुत आवश्यक है और आपके सहयोग से ही हम इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात को जनता तक पहुँचाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमने देखा आप लोगों के माध्यम से, अखबारों में छपा है, फोटो भी छपा है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके जो ये नाजायज काम कर रहे हैं या किसी अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं, ऐसे अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी डिमांड हम भी करेंगे और सरकार इस बात की चिंता भी कर रही है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।